अभी टेंथ भाभी को लेके अपने वहाँ गए हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटलाइज है। ये है रूम जो हमने लिया हुआ है डिलीवरी के लिए, और ये प्राइवेट रूम है। इधर ये वॉशरूम है और ये है हमारी ज्योति, हाय कर दो। और यहाँ पे अभी खाली है, बेबी आ जाएगा। और यहाँ टीवी और वॉच, एसी, पूरा घर जैसा ही फील है एकदम। ये मेरे लिए बेड है। तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ मैं और ज्योति है यहाँ पे, क्योंकि अभी कोविड के टाइम पे ज़्यादा लोग को रुकने नहीं दे रहे। और मम्मी आई थी बट वो चली गई घर पे, अभी वो फिर आएंगी। और ये है जिसमें बेबी आएगा, इससे कल्ला जाएगा। और ये हमारी ज्योति लेटी हुई है, यहाँ पे ज्योति लेटी हुई थी। और क्योंकि लेबर पेन उसको हुआ नहीं, पेन हुआ नहीं, हम लोग ने थोड़ा जल्दी एडमिट कर दिया, हम लोग समझ नहीं पाए पेन। और तो डॉक्टर ने सीज़र के लिए बोला है, अभी वो सीज़र के लिए जा रही है। मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गई हैं। ज्योति को ओटी में लेके जा रहे हैं अभी। तो फाइनली मेरी नन्ही परी, हमारे घर की दुलारी बेटी आ गई है और बेटी हुई है। और मम्मी और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं इसको देख के। और मैं लेते टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी उस टाइम थोड़ा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि शुभम का बेबी, मतलब मेरे भाई का बेबी पकड़ते हुए मम्मी को थोड़ा मतलब इमोशनल हो गई, तो मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गई, तो मैंने वो सब रिकॉर्ड नहीं किया। बट हाँ, अभी मम्मी जब वो आई, अभी ज्योति शिफ्ट नहीं हुई है रूम में, वो आई तो उसको मम्मी दूध पिला रही थी क्योंकि फीड करने को बोला था। तो ज्योति को अभी भी ऑपरेशन थिएटर में ही रखा गया था 4-5 घंटे के लिए। तो अभी सिर्फ बिटिया आई थी तो उसको मम्मी दूध पिला रही थी। मेरी नन्ही परी झूले में झूल रही है। कितनी क्यूट है, बहुत ही क्यूट है, बहुत प्यारी है, इसको नज़र ना लगे किसी की। कल हम लोग को डिस्चार्ज मिल जाएगा, तो घर जब जाएगी तो उसका वेलकम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब मैं आगे शेयर करूँगी।